हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल तो अभी हमारे साथ एक चाचा जी हैं जो यहीं पे रहते हैं परमानेंट और इनका घर भी है यहाँ बिलिंग में ऊपर दिखा वो ऊपर वाला जो घर दिख रहा है वो इनका है और मतलब पिछले बयालीस सालों से ये यहीं पे रह रहे हैं और भीड़ में इनका अपना जो पुश्तैनी घर लगा लो या प्रॉपर ये यहीं के हैं तो ये फेमस भी है वैसे मतलब इनके क्लाइंट ऐसे यूरोप नेपाल और इंडिया के अलग अलग पार्ट से भी हैं बिल्कुल तो मतलब ये फेमस है चाचू चाय करके क्यों अंकल बिल्कुल जी चाचू चाय के नाम से ये पूरे वर्ल्ड के अंदर तो फेमस है हाँ, तो अंकल फिर कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ मेरे को बयालीस साल हो गए बयालीस साल हो गए हैं तो मतलब इतने ठंड में रहते हो और मतलब माइनस छः माइनस आठ अकेले कैसे टाइम पास करते हो वो कुछ भी नहीं है हमारे को आदत पड़ी हुई है ये तो कुछ बर्फ नहीं है जब शुरू में ना तो उस टाइम तो साढ़े छह फुट तक बर्फ आती थी अच्छा अब तो कम होती रही है बर्फ अच्छा, थोड़ा गुंदे -गुंदे बात करता हुँ। हुँ। अच्छा, तो ये मतलब और आप बता रहे मंदिर है, मंदिर है अच्छा, कहाँ से कम से कम कोई ढाई तीन घंटे लगते हैं अच्छा ऊपर हाँ हनुमान टेंपल के लिए तो वो सामने दिखाई पड़ रहा हो देखो ये ये हनुमान टेम्पल है अच्छा ये राजाओं के टाइम का है ये और जो मूर्ति है ना यहाँ इतनी सी मूर्ति है आप उठाओगे उठ जाएगी अच्छा मगर आप बोलोगे कि ले चलते है चाहे आप पचास आदमी लगो चाहे सौ आदमी भी नहीं हिलेगी भी नहीं, नहीं। अच्छा हाँ। तो अभी तो बहुत बर्फ होगी कितनी होगी वहाँ पे जी कम से कम कोई पांच छह फुट बर्फ होगी कब जा सकते हैं कौन सा सीजन में ये आप जाए जाएंगे तो अप्रैल या क्या नाम मई में अप्रैल या मई में तो मतलब जो लोग बिलिंग आते हैं और जो क्रेजी पीपल है बिल्कुल। और जो घूमने वाले ऐसे ट्रैक करने वाले शौकीन है तो बिलिंग तक आके नहीं रुकना है ये नॉर्मल बर्फ के अलावा जो दूसरा सीजन है अप्रैल मई में तो आप उधर हनुमान टेम्पल तक कर सकते हो यहाँ से साढ़े तीन घंटे लगते हैं ट्रैक करके हाँ। और अभी अगर हम यहाँ से नीचे से भीड़ से ट्रैक करके ऊपर आए तो वैसे भी कितना सुंदर था और जब और ऊपर हाइट पे जाओगे तो सोचो कि कितना ज्यादा ज्यादा सुंदर सुंदर होगा होगा वो और और सुंदर जी है ना ऊपर तो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे प्यारे भी है। तो रात को जैसे हम सोए हुए थे तो कुत्ते ना मतलब हमारे आसपास आके ऐसे भौंक भी रहे थे तो हमें डर भी लग रहा था कोई भालू वगैरह तो नहीं, नहीं, नहीं आया आजकल कोई जानवर नहीं होगा जानवर नीचे सब तराई में गया हुआ है अच्छा आजकल तो जंगलों में कुछ भी नहीं है काफी घने जंगल है तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा जंगल है? जो है ना अभी ये जंगल है बर्फ गिरी हुई है तो जितना भी जानवर है तो नीचे, में जान, तो वहां नीचे वाले जंगल है ना इन जंगलों में आई अभी तो उतरते हुए अगर से हमारे को मिल गया कोई ऐसा नहीं है कुछ भी अब गाड़िया वगैरह चलेगी तो रोड पे तो नहीं आता ही नहीं है जानवर

क्या बात है वो रहता है बर्फ के ऊपर ही वो बर्फ़ मिल जाएगा अच्छा यहाँ नहीं आएगा वो क्योंकि वो काफी ठंडी पहाड़ी पे रहता है ना ये अंकल ने मतलब पैराग्लाइडिंग भी करते हैं इस टाइम पे और फ्लाइंग करते हैं लंबी लंबी तो अभी हाँ। अंकल बताओ आप कुछ थर, थोड़ी देर पहले बता रहे थे छे घंटे इन्होंने फ्लाइंग हाँ। किया किसके साथ किया मैंने कोबो के साथ ये बहनो है ये क्या नाम यूरोप का तो उसके साथ मैंने छह घंटे फ्लाइंग किया है

भाई आया नहीं हाँ। क्या चक्कर हो गया कहीं मर तो नहीं गया फोन करता हूँ तो फोन स्विच ऑफ उसका हाँ। बैटरी डेड था बैटरी डेड था अब उसने रात को चार्ज किया मेरे को फिर सुबह फोन करता है चाचू कहाँ बबलू को भेजो गाड़ी लेके ले ले फिर यहाँ से मैंने गाड़ी भेजी यहाँ से ले भेजी हाँ अपनी गाड़ी ना मेरा हाँ। तो अपनी गाड़ी में भेजी तो जाके वहाँ से फिर उसको लाया क्या बात है तो अंकल यहाँ सारा दिन तो कोई होता ही नहीं है मतलब सुबह से शाम तक बस तो क्या ये, खाना बनाना और क्या कहता बस है? अपना रोटी बनाई खाई और आ गया कोई किसी को चाय पिला दी नहीं तो अपने सो गए आराम से अच्छा <laughs> ये और इनके खेत नहीं है मतलब लोगों के खेत होते इनकी पहाड़ी है हाँ पहाड़ी है। तो बताओ जरा कौन सी पहाड़ी आपकी ये देखो ये नीचे है वो नीचे वाली पहाड़ी दिख रही है ना जो वहाँ भी है, पूरा का वो पूरा जंगल है। हाँ। जो जैसे नीचे गड्ढा जैसे दिखाई पड़ रहा है हाँ। ये ये जंगल मेरा तो जो वो गोल सा सबसे नीचे वाला है ना वो पूरा हाँ। पहाड़ी इनका है हाँ जी मतलब सोच रहे हो लोगों के खेत होते प्लॉट होते है इनकी पहाड़ी है ये बताते लोगों की यहाँ पे जैसे बिल्डिंग में लोग खेती करते थे पहले और ये मतलब अभी छोड़ दिया लोगों ने आलू राजमा ये लगाते थे पहले अच्छा तो क्योंकि हमारा तो पहले बुजुर्गों से यही मतलब चला हुआ है कि आलू लगाए राजमा लगाए तो जाके यहाँ से उठा के नीचे जान शहरों में जाके बेचना शहरों में बेचना तब अपना रो, रोजी रोटी कमानी अब तो ऐसा चलो रोजगार लगा हुआ है चलो चार आदमी आ गए तो अपना सौ दो सौ रुपये बढ़ गया कहीं तो चल रहा है ये। हमको तो मतलब अभी अंकल हमारे पास एक घंटे से खड़े और मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन अभी पता लगी ना मतलब हमारे को पहले पता ही नहीं था मतलब ये पक्का है कि अगली बार हम जब भी आएंगे तो इनके पास ही आएंगे और रुकेंगे और चाचू चाय बिलिंग में जब भी आओगे ऊपर वाला घर जो टॉप पे दिख रहा है ना ऊपर वाला रुक जा तू ऊपर वाला जिसपे हल्की सी बर्फ है छत पे और प्रॉपर घर जैसा बना हुआ है ये ये इनका है तो मतलब चाय तो अच्छी मिलेगी आपको साथ में जितना भी इंफॉर्मेशन आसपास के एरिया का या फिर कोई भी एडवेंचर ट्रिप करना है आपको पैराग्लाइडिंग करनी है बिल्कुल इनके पास आइए डिस्काउंट भी देंगे वो तो अलग है लेकिन आपको अच्छे से अच्छे मतलब पायलट भी देंगे फ्लाइंग करने के लिए बढ़िया पैराग्लाइडिंग करने के लिए मतलब और काफी बयालीस साल से इस फील्ड में तो सोचिए फिर मतलब क्या ही होगा और हम तो मतलब बिल्डिंग में कोई बंदा मतलब अभी जब नीचे पूछ रहे थे तो सब मना कर रहे थे कि ऊपर जाके कैंपिंग मत करो बहुत ठंड ही है वो है और ये तो डेली इधर ही रहते है और एज कितनी अंकल आपकी मेरी जी बदा, बदा, तीस साल का एक्सपीरियंस ट्रैकिंग कैंपिंग और ऐसे सब चीजों में दिख रहा हो इनको ना देख के तो अंकल आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा तो आप बोलो दर्शकों को कि जब भी आए भाई चाचू चाय आ, जब भी आओ चाचू चाय से मिलो हैं और पूरी हिस्ट्री सुनो मेरे से कैंप लगाओ जी यहाँ पे इनके पास आप कैंप लगाइए इधर कोई चक्कर नहीं है बैठिए पूछ बात कीजिए जो भी है तो हाय बोल दीजिए अंकल सबको हाय ठीक है तो अभी इस वीडियो में इतना ही और अंकल का नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में चाहे कांटेक्ट भी कर सकते हो आने से बेकुण पहले बिल्कुल ठीक है तो अभी के लिए बाय मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू